हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम आतो भाई की हाल है सबका। यू सब लोग खैर खरीत से होंगे, मज़े में होंगे, खुश बाश होंगे। तो यार घर से निकलने टाइम तो ब्लॉग बनाने का याद ही नहीं रहा कि यार ब्लॉग भी बनाना है, कहाँ जा रहे हैं, क्या सीन है। मैंने कहा आप लोगों को डाटा चलूँ, तो यार अभी हम लोग जा रहे हैं नोमी भाई के पास, जो गाड़ी का छोटा मोटा काम है। जैसे कि आप लोगों को पता है बम्पर शम्पर हमारा टूट गया हुआ है, तो और छोटी मोटी चीज़ें हैं वो भी जाके नोमी भाई को ले कर देते हैं। और हम घर आके लम्बे पैदे हैं, क्योंकि हमारे में हिम्मत नहीं बची कि भाई हम दोबारा गाड़ी के पास खड़े होकर काम कराएं। इतनी बुरी हालत हो गई है ना, क्योंकि तबीयत नहीं ठीक, ऊपर से यार ये काम है ख़त्म नहीं होते ना, इतना दिमाग ख़राब होता है इनकी वजह से कि यार बता नहीं सकता आपको। खैर अभी हम अपनी फुल ऑटोमेटिक गाड़ी में ब्लॉक बनाते थे जा रहे हैं यार, क्योंकि हमें टेंशन ही नहीं है कि भाई गियर डालना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, ये चेक करो। बस गियर लगा हुआ है, सिर्फ रेस में पाऊँ मैं, और बस फुल चिल माहौल है भाई साहब, फुल इंजॉय हो रहा है ऑटोमेटिक गाड़ी पर। तो अभी बस चलते हैं नोमी भाई के पास और फिर वहाँ जाके उनको सामान वगैरह लेके देते हैं, तो फिर वहाँ पहुँच के आपको मैं मिलता हूँ। तो फिर बने रहिए मलिक आकिब के साथ। अच्छा तो भाई साहब सीन ऐसे थे कि यार गाड़ी एकदम मुड़ी है, पता नहीं क्या वो सीन हुआ है कि वो एकदम उसकी वाशर बोडेगी ना फट गई। वेल डन। तो अभी वो हम जा रहे हैं यार चेंज कराने के लिए। मैंने कहा यार पहले वो चेंज करा लिया, क्योंकि वो काम ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी बम्पर वगैरह चीज़ें ले आए हैं, तो स्पेशल आपने देख लिया होगा वो हमने लगा लिए यार। तो अभी पहले चलते हैं इसको यार वाशर इसको चेंज करते हैं, उसके बाद फिर अगला काम करते हैं यार, क्योंकि जो काम ज़्यादा ज़रूरी है पहले वो किया जाए ना। भाई साहब तो यार फाइनली ये काम हो गया हमारा, अब चलते हैं दोबारा नोमी भाई के पास और बाकी इसके बम्पर और वो चीज़ें वगैरह लगाते हैं। तो इस काम को मुकाएं यार तकरीबन मेरे ख्याल से 3 होने वाले हैं यार, और अभी तक रोटी छोटी नहीं खाई, बड़ी सख्त किस्म की भूख भी लगी है, देखते हैं कुछ खाते पीते भी है। सुबह सुबह क्या दिखा रहा बिल्ला है। 8,000 7,000 सुबह सुबह मनुज शक्ल दिखा के ऐसी बातें कर रहे हैं। मारा नहीं है भाई, मैं इनको नहीं जानता। ये बड़ी अच्छी बात कही है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम आदर भाई की हालत सबका, यो सब लोग खैर खैरियत होंगे। तो यार वेलकम हो गया आप लोगों का नज़र डे के अंदर। तो यार सीन ऐसे हैं कि कल हम लोग गाड़ी नोमी भाई के पास छोड़ गए थे, क्योंकि उसका काम था, और नोमी भाई दूसरी गाड़ी से लगे हुए थे। तो ऐसे मैंने कहा यार हम कल आ जाएंगे, ठीक है। तो अभी सुबह सुबह आया हूँ, माशाल्लाह नोमी भाई फुल छिक छिक काम लगे हुए हैं, ये चेक करो, रेडिएटर शेटर खोला हुआ है, और बाकी भी चीज़ें आपको चेक करता हूँ जो नोमी भाई काम कर रहे हैं यार। ये चेक कर सकते हो बाबा, ये फुल पप्पू काम किया, बेहतरीन पीस रख के पक्का वेल्ड किया यार, ये अच्छी आवाज़ कर रहा था थोड़ा बहुत। और उसके अलावा एडिटर वगैरह आपको मैंने अंदर दिखाया है फुल, वो पप्पू कर रहे हैं उसको। तो उसके अलावा ये ब्रैकेट वगैरह लगा दिए, ठीक है, सही मजबूत हो गए। अभी ये बम्पर इसके ऊपर फिट होगा, नए मॉडल का बम्पर लगाया ना इसलिए। फिर इस साइड से चेक कर सकते हो बाबा जी, फुल टाइम ये फेंडर शेंडर उतरा हुआ है, ये सारी चीज़ें फिट करके। दरवाज़ा है ही नहीं, दरवाज़ा सब सेवन अप हुआ है भाई। और बाबा जी यहाँ पे आपको बम्पर चेक कराता हूँ फुल टाइम नया, ये नया बम्पर लेके आए हुए हैं, ठीक है, ये पुराना टूट गया था। Thank you.
अपडेट आप लोगों को देता चलूँ तो बस ऑलमोस्ट थोड़ा सा काम रह गया। रंग वगैरह आपने देखे हमने मैच कर लिया है, क्योंकि दो जगह प्रोटीन वगैरह लगनी थी यार, क्योंकि रंग वगैरह रखा था मैंने कहा यार प्रोटीन लगा के कि दफा ना इसको पक्का बिठा दो यार, तो बस वही जवाया गया था। उसके अलावा बस बम्पर वगैरह आप लोगों को मैंने दिखा दी, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट फ्लो में लगाएंगे। जाली वगैरह दो चीज़ें और भी लाई हैं, तो मोबाइल अभी लेके नहीं गया था यार, इस वजह से आप लोगों को दिखा नहीं सकूँ। अभी भी कुछ चीज़ें लेके आए हैं तो वो फिर इंशाल्लाह दिखाऊंगा नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक बस यही था आज का व्लॉग, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और तब तक के लिए गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।